पहला स्टॉक रिलायंस पावर का है, आगरा से ब्रिज मोहन होल्ड करते हैं, 500 शेयर ₹25.50 की खरीद रही है प्रकाश जी। वेल, मौका मिलता है ₹3 प्रॉफिट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ले लीजिए, बाकी भूल जाइए, पैसा तो मिलता है ना, इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ओके, सो रिलायंस पावर बिल्कुल आंख मूंद करके प्रॉफिट बुक कीजिए। नवकार कॉर्प, ये है चंडीगढ़ से सुनील जी के पास, 190 इनकी बाइंग प्राइस है और इन्होंने 30 शेयर रखे हुए अपने पास, नुकसान ₹98.80 का हो रहा है यहाँ पर। नुकसान तो बहुत हो रहा है, होना भी चाहिए, वीक स्ट्रक्चर है, और भी गिरावट आ सकती है, जितना आप बुक एग्जिट कर लेंगे तो नुकसान कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ इस स्टॉक में चार्ट में नजर नहीं आती। ठीक है, तो नवकार में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, निकल जाइए, आपको लॉस बुक ही करना पड़ेगा। अब अशोक लेलैंड पर सवाल है, अशोक जी ये होल्ड करते हैं, अशोक लेलैंड, इनकी बाइंग प्राइस ₹158 रही है प्रकाश जी। ऐड कर लीजिए, अपना होल्ड तो कीजिए लेकिन ऐड भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, जिसमें करेक्शन था, करेक्शन खत्म हुआ, 105-100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता है कभी ये ब्रेक करेगा, आप आराम से रहिएगा, ऐड करना है तो ऐड कीजिए, SIP करना है तो SIP कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। IRCON, इंदौर से अंशुल का सवाल, 30 शेयर है, ₹465 की खरीद। वेल, है तो वीक स्ट्रक्चर, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं, इस स्टॉक में मैं नहीं होता, निकल जाना चाहिए। इमामी इंफ्रा, इंदौर से पंकज पूछ रहे हैं क्या करें, 100 शेयर होल्ड करते हैं, 384 में खरीदा है इन्हें, आधा हो गया, काफी हद तक हाई देखा हमने 350, उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं, अब एक स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए 125 का, शायद एक अप्पू मिले, अगर अप्पू मिलता है तो 175 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, आप दो दिन से सर्किट देख रहे हैं, इस पर हम होल्ड कीजिए और वहां पर निकल जाए, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। ओके, तो फिर फ्रेश लुक 125 के आसपास लेना आपके लिए जरूरी है, 175 में। फेडरल बैंक नागपुर से 175 पर, ठीक है, नागपुर से लोकेश का सवाल लेते हैं, फेडरल बैंक होल्ड करते हैं लोकेश, 100 शेयर है, 110 में खरीदा है इन्होंने, ₹32.70 पर शेयर लॉस हो रहा है, भी नुकसान में है लेकिन लो लेवल से कुछ सपोर्ट मिले हैं, इसका अपू थोड़ा सा मिल सकता है, टारगेट कुछ 85-90 का है, वहां पर चला जाए तो एक फ्रेश लुक लीजिएगा, शायद यहां पर संभल जाए, लेकिन है तो स्ट्रक्चर वीक। ओके, साउथ इंडियन बैंक धीरज होल्ड करते हैं, साउथ इंडियन बैंक के 200 शेयर ₹30 में खरीदा है इन्होंने, साउथ इंडियन बैंक, मुझे लगता है कि आज तो हरकत नजर आ रही है, अब आधा तो हो गया है, अब शायद थोड़ा मिले 17-17.50 के आसपास मौका मिले तो निकल जाएगा। MRO-TEK 200 शेयर ₹46.57 की खरीद, भुवनेश्वर से सीता सुमौली का सवाल है, होल्ड कीजिए, सर्किट्स ऑन द वे डाउन, सर्किट्स ऑन द वे अप, ये थोड़ा स्टॉक डेंजरस है, अपू अगर मिलता है तो निकल जाना चाहिए 54-55 के आसपास, आपके कॉस्ट के ऊपर है वो। बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके स्टॉक है कुल ₹596.25 पे खरीदा है, राजेश पूछ रहे हैं क्या करें बैंक ऑफ बड़ौदा में, निकल जाना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता, आप प्रॉफिट में बैठे हैं, थोड़ा ऊपर जाता है तो निकल जाए, यहाँ पर भी निकल जाएंगे तो भी चलेगा। सूरत से धर्म का सवाल, आइडिया पर 5000 शेयर हैं आइडिया के, ₹34 की खरीद रही है आइडिया में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुनाफे में बैठे हैं, एग्जिट, ₹2.70 बुक कीजिए इस प्रॉफिट को। पटना से शुभम का सवाल, बलरामपुर चीनी और 50 शेयर हैं, ₹94.72 की खरीद रही है इनकी, होल्ड करना चाहिए, होल्ड भी करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है ये स्टॉक शुगर सेक्टर बॉटम हुआ और बलरामपुर चीनी में लगता है 75-80 जोन पे लगता है ये अब नहीं टूटेगा, मुझे लगता है इसका टारगेट 120-130 भी हो सकता है लेकिन उसे वक्त लगेगा, होल्ड कीजिए। दिल्ली से मयूर का सवाल है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर 300 शेयर हैं सिंटेक्स के, ₹22.50 बाइंग प्राइस इनकी। वेल, 12 तो हो गया आधा, अब थोड़ा अपमूव मिलेगा, शायद 14 के आसपास जा सकता है, वहां पर निकल जाइएगा, है स्ट्रक्चर वीक, वीक चार्ट है। डेल्टा कॉर्प, तीर्थेश होल्ड करते हैं, 500 शेयर, ₹355 में खरीदा है इन्होंने। वेल, डेल्टा कॉर्प 300 में खरीदा है, होल्ड करना चाहिए, 200 के आसपास जो बाउंस मिला है बहुत बढ़िया बाउंस है, होल्ड करना चाहिए, 300-350 भी जा सकता है, होल्ड करना चाहिए। एक्सिस बैंक बंगलुरु से सृजन होल्ड करते हैं, कुल 311 शेयर, ₹603.44 की खरीद, होल्ड करना चाहिए, मुझे इसका टारगेट 630 नजर आता है, वक्त लग सकता है, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कीजिए, आज भी इसमें एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है अभी।
ठीक है, तो होल्ड कीजिए, ऐड करना चाहें इस प्राइस पॉइंट पर, तो एक्सिस बैंक आप ऐड भी कर सकते हैं।